हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको HTML में टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो टेबल बनाने के लिए हमें तीन टैग्स का इस्तेमाल करना होगा, टेबल रो, टेबल हेडिंग और टेबल डिमेंशन। तो चलिए इसका टेबल बनाने का कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सारे बेसिक टैग्स लिखने होंगे, तो चलिए हम सारे बेसिक टैग लिख लेते हैं। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग की जरूरत होगी। इसे हम अगर हमें टेबल के लिए बॉर्डर देना है तो इसके बगल में हमें टेबल बॉर्डर लिखना होगा और इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। बाद में हमें अगर टेबल को बीचों बीच रखना है तो अलाइन लिखेंगे। यहाँ पे डबल कोट्स में हमें लेफ्ट राइट या सेंटर तीनों में से कोई एक कर सकते हैं, तो मैं सेंटर कर देता हूं पहले। अब मैं इसे कॉपी कर देता हूं। इसे एक बार पेस्ट कर देता हूं, दूसरी बार भी पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे तीन बॉर्डर्स बनाऊंगा, मतलब तीन टेबल बनाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं सेंटर, दूसरे में लेफ्ट और तीसरे में राइट लिखूंगा। शुरुआत करते हैं टेबल रो से। तो टेबल रो के लिए हमें tr लिखना होगा, tr टैग लिखना होगा। अब हमें टेबल के लिए पहले हेडिंग लिखनी होगी, तो उसकी टेबल हेडिंग के लिए हमें th इस्तेमाल करना होगा। th लिखने के बाद अब हम टेबल के हेडिंग लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट्रीब्यूट। अब टेबल हेडिंग को क्लोज कर देते हैं। अब इसमें हम वैल्यू लिखेंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब TR को क्लोज कर देते हैं, इनकी टेबल रो को क्लोज कर देते हैं। अब इसे सेव कर देते हैं। पहले हम पहला टेबल देख लेते हैं कि ये टेबल सक्सेसफुली बना है या नहीं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेबल इस तरीके का बनेगा। देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये हेडिंग है, कॉलम हेडिंग। और फिर इसके बाद ये कॉलम के अंदर ये सेल्स हैं छोटे छोटे, ये रो है, ये कॉलम है। तो चलिए अब देख चेक करते हैं कि ये ठीक से बना है या नहीं।
ये देखिए मैंने एट्रीब्यूट सेट कर रखा है, वैल्यू सेट कर रखी है और डिस्क्रिप्शन सेट कर रखा है। और इसे मैंने अलाइन किया था सेंटर में, इसीलिए सेंटर दिख रहा है। अब इसी चीज को मैं दोबारा कॉपी कर देता हूं। अब यहाँ पे हमें फिर से टीआर लिखना होगा, टेबल रो, टेबल के सेल्स को बनाने के लिए हमें एक और टेबल रो बनाना होगा। ये लो हो गया टेबल रो, अब हमें टेबल डिमेंशन बनाना होगा, यानी कि टीडी। टीडी में हम लिख देते हैं रो वन कॉल वन, कॉल वन यानी कि कॉलम वन। अब टीडी को क्लोज करते हैं हम, पहले इसको कॉपी कर देते हैं। अब जैसे कि आपने देखा, मैंने ये टेबल रो में सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब इस टेबल रो को भी क्लोज करना होगा हमें, तो मैंने इसे टेबल रो को क्लोज कर दिया। अब इस टेबल रो को हम नेक्स्ट टेबल में कॉपी कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे सारे एलिमेंट्स को लिख लिया है। अब टेबल को क्लोज कर देते हैं। ये थर्ड टेबल क्लोज हो गया। अब ये सेकेंड रो क्लोज, टेबल क्लोज हो गया और ये फर्स्ट टेबल भी क्लोज हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये पहला टेबल इतने में आता है, फिर दूसरा टेबल यहाँ से शुरू होता है जो कि लेफ्ट में है और यहाँ पे खत्म होता है, और तीसरा टेबल यहां से लेके यहां तक चल रहा है, और फिर इसके बाद टेबल तो मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे करना होगा ये, मुझे बॉडी टैग क्लोज करना होगा। बॉडी टैग भी क्लोज कर दिया और अब एचटीएमएल टैग क्लोज करते हैं। ये हो गया, तीनों टेबल क्लोज हो गए और हमारा HTML डॉक्यूमेंट भी क्लोज हो गया। नाउ अब इसे सेव करते हैं।
और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। इसे हमने सेव कर दिया है क्योंकि मैंने सेव करने से पहले न्यू डॉक्यूमेंट बना दिया था इसको पहले ही, इसीलिए ये दूसरे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसका भी नाम चेंज करता हूँ, ये चेंज हो गया है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखेंगे ये तीनों टेबल। पहला टेबल ये रहा जो सेंटर में है, दूसरा लेफ्ट में है और तीसरा राइट में है। इसमें आप देख सकते हैं एक मिनट, इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें लिखा था एट्रीब्यूट रो वन कॉलम वन, एक्चुअली कॉलम वन में मैंने कॉल बस लिखा है, वन नहीं लिखा है। चलिए इसको एडिट कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली तो मैंने कॉलम वन नहीं लिखा है। एल और वन दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ ये। हाँ, आप देख सकते हैं रो वन कॉलम वन, रो टू कॉलम टू, रो थ्री कॉलम थ्री। देखिए रो वन, रो टू, रो थ्री। इसमें मैंने रो के बारे में लिखा गलत है, लेकिन ये एक्चुअली मैंने ये सेल्स का नाम दिया है। वैसे तो रो एक पूरा एक लाइन को रो कहते हैं और एक पूरे कॉलम को कॉलम कहते हैं, तो मैंने कॉलम तो सही लिखा लेकिन रो गलत लिखा है। लेकिन ये उतना कोई मायने नहीं रखता कि मैं तो आपको बस डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको तुरंत रिसॉल्व करूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। If you like my video, then like my video and share it to your friends and tell them about this video if you are satisfied with this video. Thank you. Have a nice night.